आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनी तो इस बार भी होगी कर्ज माफ। दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले हॉट स्पॉट्स पर विशेष टीम तैनात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, सुनकर खुशी से झूमे करोड़ों किसान। कमलनाथ के आवास के सामने भारी बवाल, पुलिस के रोकने पर भी नहीं मान रहे कार्यकर्ता। वाघ बकरी चाय कंपनी के मालिक पराग देसाई का निधन, आवारा कुत्ते ने कर दिया था हमला। इजराइल का डबल अटैक, हमास के बाद हिजबुल्ला के ठिकानों पर बरसाए बम, कई चौकियां तबाह। जिस फ्लाइट में बैठे पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ, उसी में हुई चोरी, फिर भिड़े लोग। कैटरीना संग लेके प्रभु का नाम पर खूब नाचे सलमान खान, अरिजीत सिंह के गाने में दिखी टाइगर की रोमांटिक केमिस्ट्री। रणवीर संग नहीं तो किसके संग जस्ती है दीपिका की केमिस्ट्री, पति के सामने ही एक्ट्रेस ने किया खुलासा। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन। भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछली बार की तरह ही हम इस बार भी फिर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि किसानों को सक्ती देने की बात कांग्रेस हमेशा से करती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया कहती रही है पिछली बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गरीबों को आवाज देने की घोषणा की थी, ज्यादा जनगणना की बात कही थी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात कही थी। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर घोषणा की जा रही है कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, जिस तरह से हम पिछली बार किए थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है, छत्तीसगढ़ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा लगातार खराब होते जा रही है। सोमवार को नवीनतम AQI 309 के साथ दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं दिल्ली NCR में भी हवा की गुणवत्ता बिगड़ी है। यहां भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है और सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली NCR में AQI 322 है। बढ़ते AQI के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के आनंद विहार, हसनपुर डिपो, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के आसपास की कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां धुंध के चलते कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि नेशनल कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को 7000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अमित शाह ने NCL का लोगो और वेबसाइट जारी करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्यात का फायदा सहकारी समितियों के सदस्य किसानों तक पहुंचे। MSP के अलावा एक्सपोर्ट का आधा फायदा किसानों के साथ शेयर किया जाएगा। मंत्री ने कहा फिलहाल NCL अस्थायी दफ्तर पर काम कर रहा है, कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। NCL को 7000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NCL निर्यात से मुनाफा कमाने पर फोकस करेगा, इसके अलावा किसानों को निर्यात बाजार के लिए उत्पाद बनाने में भी मदद या सरकारी समितियों के सदस्य किसानों से लाभ को शेयर किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि NCL मेंबर किसानों निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को MSP पर खरीदेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों नामों की घोषणा का सिलसिला जारी है और उसी तरह टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं का विरोध भी जारी है। रविवार को केंद्र मंत्री सिंधिया के महल के बाहर तो आज कमलनाथ के बंगले के बाहर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। कार्यकर्ता अपने नेता को टिकट नहीं दिए जाने पर विरोध जता रहे हैं।
वाघ बकरी चाय समूह के कार्यकारी निर्देशक पराग देसाई का रविवार देर शाम अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। खबरों के मुताबिक 49 वर्षीय देसाई पर उनके घर के बाहर मौजूद आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह इस्कॉन अम्बली रोड के पास सुबह की सैर के दौरान वह कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसने देसाई पर हमला कर दिया। कुत्ते के इस हमले से वह गिर पड़े, जिसके बाद उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्ला और हमास पर ताजा हमला किए हैं। IDF ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें एक मिलिट्री कंपाउंड और चौकी भी शामिल है, जिसे तबाह कर दिया गया है। इजराइल मिलिट्री के एयरक्राफ्ट ने लेबनान सीमा पर हिजबुल्ला की टेरर सेल को निशाना बनाया। इसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ और आतंकवादियों के हथियारों को नष्ट कर दिया गया। हमले में हिजबुल्ला का एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट हुआ है। जिस सेल पर IDF ने हमला किया, उस पर सलोमी शहर के पास एक मिसाइल लॉन्च करने की योजना बनाने का संदेह था। फिलिस्तीन के वफा न्यूज के मुताबिक इजराइल की सेना के एयरक्राफ्ट ने गाजा शहर में अल सिफा और अल कुद्स अस्पतालों के पास हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में जान माल के नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस लौटे हैं। जिस फ्लाइट में बैठकर वो आए, वहां भी उन्हें पूर्व PM इमरान खान के समर्थक मिल गए। वो जोर जोर से खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस फ्लाइट में किसी का सामान भी गायब हो गया था। सामान नहीं मिलने के बाद कहा गया कि वो चोरी हुआ है, फिर पूरी फ्लाइट में तलाशी ली जाने लगी। इस दौरान लड़ाई भी हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फ्लाइट में शरीफ की पार्टी का एक नेता बीमार पड़ गया था, जिसके कारण 1 घंटे की देरी से इस्लामाबाद पहुंची PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता मलिक नूर अवान का सामान नहीं मिल रहा था, जिसके बाद यात्रियों के बीच लड़ाई हो गई। बता दें, 73 साल से पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ उम्मीद ए पाकिस्तान चार्टर प्लेन से दुबई से इस्लामाबाद आए हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 3 साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे फैंस का जबरदस्त रिस्पांस मिला है और लोग अब इस फिल्म के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अब फैंस की एक्साइटमेंट को अब बढ़ाते फिल्म से नया सॉन्ग लेके प्रभु का नाम का भी रिलीज कर दिया गया है, जो काफी शानदार है। यशराज फिल्म ने आज रामनवमी के मौके पर अपनी ओपनिंग फिल्म टाइगर 3 से पहला सॉन्ग लेके प्रभु का नाम का रिलीज कर दिया है। यह गाना एक था टाइगर के मासा अल्लाह और टाइगर जिंदा है के स्वैग से स्वागत जैसे डांस नंबर्स में एक और एडिशन है टाइगर 3 का रिलीज किया गया। कॉफी विद करण सीजन 8 को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखा जाता है। इस शो का फैंस बेहद बेताबी के साथ इंतजार करते हैं। इसी बीच शो का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें बॉलीवुड के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों होस्ट करण जौहर के सामने अपनी डेटिंग लाइफ, शादी और प्रोफेशनल करियर के बारे में खुलकर बात करते हुए दिख रहे हैं। रेडिट पर वायरल हो रहे लीक प्रोमो में करण दीपिका से पूछते हैं कि रणवीर के अलावा उनकी किसके साथ सबसे अच्छी केमिस्ट्री है। वह जवाब देते हुए कहती है, ऋतिक के साथ, जो हर किसी के साथ है। दीपिका की बातें सुनकर करण और रणवीर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। बता दें कि दीपिका बहुत जल्द ऋतिक के संग पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करने जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। बिशन सिंह बेदी 77 साल के थे और वह बीती शताब्दी में टीम इंडिया के सबसे महान स्पिनर रहे। बिशन सिंह का जन्म 25 सितंबर 1996 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 1966 में टेस्ट डेब्यू किया और वह अगले 13 साल तक टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए। 1979 में संन्यास लेने से पहले तक बिशन सिंह बेदी ने 67 टेस्ट मैच खेले और 28.71 के औसत से 266 विकेट हासिल किए।